हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मिंग अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं बहुत ही प्रगतिशील किसान कुलवंत सिंह, जिनके किसानों में आज हम लोग खेत पे आए हुए हैं। और 17231 जो किसान भाइयों शाहजहांपुर गन्ना शोध संस्थान के द्वारा जो अर्ली में गन्ना किस्म को रिलीज किया गया था, उसके किसान भाइयों खेत पे आज हम लोग खड़े हैं। तो आज हम लोग किसानों जानेंगे कि इसका जो रिस्पॉन्स है 17231 का किसानों के खेतों पर कैसा आ रहा है, इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कुलवंत जी हमारे चैनल पे। अच्छा, जो आपकी किसान भाई किस्म है ये 17231 है, और इसकी जो आपको सबसे खास बात लगी है वो क्या अभी तक लगी है? किसान भाइयों, 17231 में जो खास बातें हैं, इसका हरापन बहुत अच्छा रहता है, खाद की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसको, और टेलरिंग में ग्रोथ में बहुत ही सही गन्ना है ये। और इसमें जो अगौले का है, जो ठंड पड़ने पे पीलापन नहीं आता, इसमें चारे के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है ये गन्ना। अच्छा, क्योंकि हमें इसमें लग रहा है कि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा काफी अच्छी खासी, इसीलिए इसमें जो भोजन है आपको काफी अधिक मात्रा में किसान में बनता आपको नजर आएगा। यानी कि आपको इसमें अलग से जो है कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल की मात्रा काफी अधिक है। और इस वैरायटी में जो किसान में हमें भी जो खास बात लग रही है कि इसकी जो टिलरिंग है, देख रहे हैं उनके टाइम में ये सिंगल बर्ड से इसकी प्लांटिंग की गई थी, और जो टिलरिंग है तकरीबन किसान हर एक गन्ने में देख रहे होंगे आपको 15 से 20 गन्ने आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं 20-20 गन्ने भी किसान भाइयों हैं, और एवरेज किसान में 12-12 गन्ने जो हैं आपको लगभग देखने को मिलेंगे। और जो अगर बात करें मोटाई की, तो किसान में देख रहे होंगे गन्ने की जो एक्चुअल मोटाई भी है, देख रहे होंगे कि देख रहे कितने अच्छी किसान में गन्ने की जो मोटाई है वो अभी से ही इसकी चल रही है, और इसके साथ कल्ले भी काफ़ी मोटे हैं, और गन्ने की जो ग्रोथ है लंबाई है बहुत ही किसान भाइयों अच्छी चल रही है। जैसा कि कुलवंत सिंह ने बताया कि इसमें जो है हरापन देख रहे होंगे पत्तियों में कितना अधिक है, यानी किसान भाइयों आपको इसमें जो है अलग से कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें स्वतः जो है किसान भाइयों भोजन काफ़ी अधिक मात्रा में बनने की क्षमता रखती है वैरायटी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा काफ़ी अधिक है। और अच्छा, इस किस्म की एक जो विशेष बात किसान ये भी लग रही है, इसके जो पत्ते हैं देख रहे होंगे किसान भाइयों हमें सीधे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि 14201 के पत्ते होते हैं उसी तरह से एक बात खास लग रही है कि इसके जो पत्ते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, ज़रा ऊपर की पत्ते जब जाएंगे किसान भाइयों तो जो इसका कॉम्पिटिशन है साथ वाली जो लाइन है उनके साथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से किसान भाइयों इसका जो फैलाव है इतना अधिक नहीं होता है। अच्छा, इसकी जो आपने बुआई की थी वो कितने फिट पे की थी कुलवंत जी? तो इसमें बुआई जो है 42 इंच पे की गई है इसकी जी, और पौधे से पौधा 1.5 फिट रखा गया है, क्योंकि इसकी जो टेलरिंग है बहुत ज्यादा है तो इसको ज्यादा नजदीक बोने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अच्छा, आप यानी कि आपने सिंगल लाइन ट्रेंच में इसकी बुआई की है, ये 42 इंच का किसान भाई बीच का जो रास्ता है वो है, और 1 फुट आपका 1.5 फिट 1.5 फिट के सामने पौधे से पौधे की दूरी रखी गई है, और इसका आपको देख रहे पूरा के सामने खेत उनका जो है इतना फांसा रखने के बावजूद भी जो पूरा खेत है किसान भाइयों उनका हरा भरा खड़ा है, कहीं भी इसमें स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक आपको इसमें गन्ने में कोई बीमारी वगैरह देखने को मिली नहीं? मिली अभी नहीं, कोई खास बीमारी नहीं है, बाकी कोराजिन वगैरह तो आपको लगानी ही पड़ेगी गन्ने में। जी, यानी कि इन्हें इसके समय अभी इसमें कोराजिन खाली लगाई है, बाकी आपको इसमें अभी इनको जो है कोई भी बीमारी इतनी इसमें देखने को फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। वैसे इसका जो रिजल्ट अभी तो अक्टूबर तक आएगा कि इसका कैसा रिस्पॉन्स है, और फिलहाल तो आपको इस वैरायटी का अभी तक जितने के समय इसकी ग्रोथ वगैरह है अच्छी प्रतीत हो रही, तो आपको इसका जो रिस्पांस अभी तक कैसा लग रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा गन्ना है ये, आने वाले समय में इससे भी बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि भी नई प्रजाति है, 1-2 साल के बाद में अच्छा रिजल्ट पता चलता है गन्ने का। जी, तो कुल मिला के समय आपके सामने ही 17231 के हम लोग खेत में थे, और देख रहे होंगे समय गन्ने की जो मोटाई लंबाई है काफ़ी अच्छी चल रही है, और किसान भाइयों सबसे बड़ी बात कि आपको इसमें किसी भी आपको एक्स्ट्रा जरा खाद डालने की या ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी जो टिलरिंग है वो वैसे ही बहुत अधिक है, क्योंकि इसका वाइटर ट्रैक्टर है ये, और इसके साथ साथ किसान भाइयों इसकी जो ग्रोथ है यानी कि लंबाई जो है वो शुरुआत से बहुत ही अच्छी गन्ना जो है ये बना के किसान भाइयों चलता है। तो ये थी कुछ जानकारी 17231 गन्ने के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।